एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। अरे अरे, तेरे को दिखता नहीं वैसा कितने आदमी है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं। क्या प्रभु देवा कर रहे हैं सलमान खान के साथ वांटेड 2 की प्लानिंग? क्या राधे के बाद दिख सकता है हमें वांटेड का सिक्वल? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। जबकि सलमान खान हमेशा से बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी करियर के बीच में एक खामियाजा भुगतना पड़ा। यह कहना गलत नहीं होगा कि 2009 की फिल्म वांटेड थी जिसने उनके करियर को पुनर्जीवित किया। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आयुष टाकिया, प्रकाश राज और विनोद खन्ना भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। काफी समय से वांटेड का सीक्वल पाने के बारे में कई बातें बन रही थी। हाल ही में प्रभुदेवा, जो सलमान की दबंग 3 का निर्देशन कर रहे थे, इसके बाद में पूछा गया था, उन्होंने कहा कि अभी तक टू वांटेड 2 के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन किसी को भी कभी नहीं पता कि भविष्य क्या है, लेकिन लगता है 2021 में वांटेड के सीक्वल की योजना बन गई है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमें जल्द ही वांटेड का सीक्वल देखने को मिल सकता है। खासकर क्योंकि सलमान खान के फिल्मी करियर में भी हाल ही में एक ब्लॉक सा लग गया है, और ऐसा लगता है कि ये ब्लॉक वांटेड के सीक्वल से ही हटेगा जैसे इससे पहले हटा था। तो क्या हुआ था आखिर? वही सलमान आज भले भी बॉलीवुड के वो स्टार हों जिनकी फ्लो फिल्म भी 100 करोड़ कमा लेती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वो एक हिट फिल्म के लिए तरस गए थे। इसी दौरान किस्मत से उनकी झोली में ऐसी फिल्म आ गिरी जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की जबरदस्त फिल्म वांटेड की। ये फिल्म 9 साल पहले आज के ही दिन रिलीज हुई थी। अगर यूं कहें कि ये फिल्म है जिसने सलमान का डूबता करियर बचा लिया तो गलत नहीं होगा। वांटेड को ऑडियंस ने इतना पसंद किया कि सलमान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, और महीनों तक इस फिल्म के शोज हाउसफुल ही हो गए थे। इस फिल्म के बाद सलमान की हेयर स्टाइल और अंदाज का ट्रेंड वापस आ गया था। वांटेड एक साउथ इंडियन फिल्म की हिंदी रीमेक थी। दोनों फिल्मों के डायरेक्टर एक ही थे, वो थे मशहूर कोरियोग्राफर प्रभु देवा। प्रभु देवा ने वांटेड के जरिए सलमान को ये एहसास दिला दिया कि ऑडियंस को सलमान से क्या चाहिए, और वो इसके जरिए फ्लॉप के बाद भी वापस आ सकते हैं। बस फिर क्या था, सलमान आज तक नहीं रुके हैं, लेकिन अब लगने लगा है जैसे सलमान को वांटेड के लक का फिर से इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और वैसे भी प्रभु देवा और सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के बाद वांटेड के सीक्वल की उम्मीद बढ़ती जा रही है। हम अब सलमान को फिर से वांटेड फिल्म में जलवा दिखाते हुए देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं देखने के लिए सीक्वल वांटेड का?